हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास टेंथ की पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, जिसको लिखा है विक्रम सेठ, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो पोएम है, अच्छे मोरल के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी पोएम है, मज़ा आएगा। बीच बीच में थोड़े व्यंग भी है, थोड़े टॉन्ट भी लगाए हैं आजकल की जो रियलिटी शोज चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंगल बॉग यानी एक दलदल जैसा एरिया था, उसमें एक फ्रॉग यानी एक मेंढक रहता था। वीडियो शुरू करने से पहले पोएम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ी पोएम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे जाए। तो बिंगल बॉग यानी एक दलदल जैसा एरिया था, उसमें एक फ्रॉग एक मेंढक रहता था। हर रात वो शाम से लेकर सुबह तक क्रॉकिंग यानी कि टर्राता रहता था, आवाज़ करता रहता था, गाते रहता था। दूसरे क्रीचर्स यानी कि दूसरे जो एनिमल थे, जीव थे, उसकी रुचि और कर्कश आवाज़ से, वो उठी हुई आवाज़, ऊँची आवाज़ होती है ना, उससे नफरत करते थे। लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें उस मेंढक की स्टुपिड क्रॉकिंग यानी कि टर टर रात भर सुननी ही पड़ती थी। हर रात वो मेंढक सुमेट्री यानी कि एक कैसू यानी कि काजू जैसा एक ट्री होता है, उसकी जड़ के पास बैठ जाता और सुबह की लाइट यानी कि सुबह का उजाला होने तक खराब ढंग से शोर मचाता रहता था, यानी कि वो गाया करता था। नेक्स्ट टाइम मेंढक को कोई भी चीज़ टर्राने से, गाने से रोक नहीं सकती थी। उसने अपनी खुशी और जोश का प्रदर्शन करने का निश्चय कर लिया। पत्थर, छड़ियाँ, गालियाँ, शिकायतें या प्रार्थनाएं, कोई भी चीज़ उसे चुप नहीं करवा सकी। लेकिन एक रात वहाँ एक नाइटिंगल यानी कि एक बुलबुल आई। वो उस पेड़ के ऊपर बैठ गई। सुंदर हल्की चांदनी में वो गाने लगी। उसे गाता हुआ सुनकर दलदल में रहने वाले सभी क्रीचर्स आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए। उन्होंने बुलबुल के सुंदर मधुर गीत की तारीफ की। वो सब लोग मतलब पागल हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए और उस सुमेक ट्री तरफ यानी कि वो जो ट्री था उसकी तरफ तब तक देखते रहे जब तक बुलबुल ने अपना गाना बंद नहीं किया। जब गाना खत्म हुआ तब उन सब ने तालियां बजाई। जब वो अपना नाइटी सॉन्ग गा रही थी, नाइटली सॉन्ग जो गा रही थी, तो बतख तैरती हुई उसके पास आ गई और बगुले दलदल में से चलते हुए आ गए। एक उदास सारस बुलबुल के गीत को सुनकर भावनाओं में इतना बह गया कि वो रोने लगा, इमोशनल हो गया। ये समर की रात थी और आसमान में चांद चमक रहा था। टोड्स, टेल्स और छोटी छोटी मछलियाँ, सभी क्रीचर्स बहुत खुश थे। ब्रावो, शाबाश, टू डिवाइन, जैसे वर्ड्स कहते हुए वो तालियां बजा रहे थे। जब बुलबुल ने अपना गीत खत्म किया तो उन्होंने उससे एक बार फिर गाने की रिक्वेस्ट की, यानी कि वंस मोर, वंस मोर। बुलबुल को ऐसी तारीफ पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए वो एक बार फिर से गाने लगी और सुबह होने तक बिना रुके वो गाती रही। नेक्स्ट, अगली रात को बुलबुल फिर वहां आई। उसने अपने सिर को हिलाया और अपनी पूंछ को झटकाया, जैसे मतलब तैयार हो रही है गाने के लिए, वार्म अप चल रहा है। तो फिर उसने अपनी एक आंख बंद की और एक पंख को थोड़ा फैलाया। उसने अपना गला साफ किया और गाने को तैयार हो गई। लेकिन वो चौंक उठी जब उसने टर्राने की आवाज सुनी, मेंढक के टर्राने की आवाज, टर्र टर्र। उसने दलदल में से एक मेंढक को फुदकते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता के साथ उसने मेंढक से कहा, क्या आपने ही कुछ बोला था? मेंढक ने कहा, हाँ। फिर उसने बुलबुल को बताया कि सुमेक ट्री उसी का है, ये जो पेड़ है वो उसी का है। उसने ये भी कहा कि दलदल के सभी क्रीचर्स में वो अपनी शानदार, सुंदर, प्यार भरी आवाज़ के लिए बहुत फेमस है। कभी कभी उसने ये भी कहा कि मैं बिंगल बॉग
यानी कि मैं बॉग ट्रम्पेट नाम के एक म्यूजिकल ग्रुप के लिए गीत भी लिखता हूँ, बहुत ही फेमस ग्रुप, उसके लिए गाने भी लिखता हूँ। बुलबुल ये सब सुनकर बहुत इंप्रेस हो गई। उसने मेंढक से पूछा कि क्या उसे बुलबुल का गीत पसंद आया था। मेंढक ने कहा कि ये बहुत बुरा भी नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा था। वैसे गाने की स्टाइल बढ़िया थी, लेकिन गीत में कोई ज़्यादा फोर्स नहीं था। मेंढक ने कहा, बुलबुल मेंढक की कही हुई बातों से एग्री थी। वो बहुत खुश हुई और इम्प्रेस भी हुई कि इतने फेमस क्रिटिक्स ने उसकी आर्ट और उसकी आवाज़ के बारे में डिस्कशन किया। उसने एडमिट किया कि उसके गीत में कोई डिवाइन यानी कि अलौकिक बात नहीं थी, लेकिन उसे गर्व था कि उसका गीत कम से कम उसका अपना था, ओरिजिनल था। ये कोई मांगा हुआ और कॉपी किया हुआ गीत नहीं था। नेक्स्ट है, एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ बुलबुल ने कहा कि यानी कि एक प्राइड यानी कि एक हौसला, एक गर्व के हिसाब से के साथ उसने कहा कि हालांकि उसका गीत डिवाइन नहीं था, लेकिन कम से कम उसका गीत उसका अपना था यानी कि ओरिजिनल था। लेकिन हार्टलेस यानी कि निर्दयी मेंढक ने कहा, कह दिया कि इसमें कोई डिंगे मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि गाने के मामले में बुलबुल अभी भी एक बिगिनर यानी कि एक नौसिखिया थी। प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा वो दूसरों से आगे निकल सकती थी, और वो ट्रेनिंग उसे मेंढक के द्वारा दिया जा सके तो उसके जैसे कोई और क्रीचर वहां नहीं थे। जब बुलबुल ने सुना कि मेंढक अपनी ट्रेनिंग के द्वारा उसे विनर बना सकता था, तो वो ऐसा महसूस करने लगी मानो वो कोई सुपर नेचुरल स्टोरी सुन रही हो। मेंढक उसे बदले हुए वेश में एक मोजार्ट यानी कि एक ऑस्ट्रियन कंपोजर है जो 1756 से लेकर 91 तक बहुत ही फेमस इंसान थे, एक कंपोजर थे, वो दिखने लगे जो धरती पर आकर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। लेकिन जब मेंढक ने बुलबुल से कहा कि वो अपने ट्रेनिंग के बदले कुछ फीस लिया करेगा, तो बुलबुल थोड़ा उदास हो गई। ये देखकर मेंढक ने कहा, तुम देखोगी कि इससे तुम्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा।